गंभीर है कि बंगाल के सरहद के बाहर वो लोकतंत्र को बचाने की बात करती है और बंगाल के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन में सारी सरहदें पार करती है उनकी सरकार। ममता जी, आपसे हमारा एक बहुत ही सीधा विनम्र सवाल है, अगर आपका प्रदेश भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर रहा है, 60-70 करोड़ रुपए आपके पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेताओं के परिचितों के फ्लैट से निकल रहे हैं, वो गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिलता, रोज ईडी की कार्रवाई पहले भी हो रही है बाद में हो रही है और कोर्ट से आपके लोगों को रिलीफ नहीं मिलता क्योंकि सबूत काफी है, और आपने मां माटी मानुष की बात की थी, गुड गवर्नेंस की, और अगर उसका स्वरूप यह है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? और प्रोटेस्ट करने आएंगे तो आप पिटाई कराएंगे, आप रास्ते बंद करा देंगे। हमारी महिला नेत्रियों को जिस तरह से कल पुलिस ने पीटा है वो सबके सामने में है, हमारे विपक्ष नेता को अंदर घुसने नहीं दिया गया, हमारे एमपीज को, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप बाबू को, पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा को, एमपी लॉकेट चटर्जी को, उनके साथ क्या किया गया है सब टीवी पर आया है, मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय ममता जी, मैं आपको आज एक विनम्रता से बात बताना चाहता हूं, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन आपको बताना जरूरी है। जो भी नेता और उनकी पार्टी इस तरह से पुलिस अत्याचार करते हैं, नागरिक अधिकारों को रोकते हैं, विपक्षियों को जेल में डालते हैं, तो जनता उनका हिसाब करती है। और आपकी पूर्व पार्टी की नेत्री इंदिरा गांधी का इमरजेंसी के बाद क्या हाल हुआ आप जानती हैं, आपने वो दिन देखा है। और ममता जी, मुझे तो आपसे एक और बात कहनी है, आपने तो सीपीएम की सरकार में उसको खुद भोगा है ना, उनकी सरकार ने आपके ऊपर लाठी चलाई थी, आज भी आप अपने 7 अमर शहीद कार्यकर्ताओं की याद में कार्यक्रम करती है ना, सब भूल गई आप? आप भी सीपीएम से भी, सीपीएम की सरकार से भी अधिक तेज चल पड़ी हैं अत्याचार में, अधिकारों के हनन में और पुलिस के द्वारा ब्रुटैलिटी में। ये बहुत ही भर्त्सना योग्य है। ममता जी, ये आपका नेचुरल स्वभाव मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप 3 दिन बाद की मुख्यमंत्री हैं, हम भी मानते हैं कि आप जमीन से उठी नेता हैं, आजकल आपको क्या हो गया है? ममता जी, ऑल योर रिएक्शंस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज टोटली कॉन्ट्ररी टू योर ओन पॉलिटिकल इवोल्यूशन एंड ऑल्सो योर सफरिंग। जो व्यक्ति खुद लेफ्ट के अत्याचार से लड़ा हो, सफर किया हो, आज वो उससे अधिक अत्याचार भाजपा के ऊपर कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका, ये हम जानना चाहते हैं। तो कुछ कहानी अंदर की है क्या, टीएमसी की पार्टी के अंदर की समस्या है क्या, उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है, या टीएमसी के गुटों के अंदर काफी कशमकश चल रही है क्या? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे संकेत स्पष्ट है मैं क्या कह रहा हूं। तो क्या उसके कारण समस्या हो रही है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए विपक्ष के ऊपर इतना बड़ा पुलिसिया अत्याचार किया जा रहा है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं ममता जी को,
कि आप आपकी पार्टी और आपकी सरकार जितना भाजपा के नेताओं भाजपा के काडर पर अत्याचार करेगी भाजपा उतनी आगे बढ़ेगी। मैं जेपी मूवमेंट का एक सिपाही रहा हूं, उस समय हम लोग छात्र थे। मुझे याद है कि जेपी को रोकने की इंदिरा गांधी ने क्या क्या कोशिश नहीं की थी और उस कारवां को रोक नहीं पाए। ममता जी आपने भी बीजेपी के कारवां को रोकने की बहुत कोशिश की थी। लेफ्ट और कांग्रेस तो साफ हो गए, बीजेपी 77 पहुंच गई। कृपया करके इस कारवां के प्रवाह को मत रोकिए, जितना रोकेंगी भाजपा उतना ही बढ़ेगी। ये बात हम कहना चाहते हैं और हमें आज बहुत गर्व है हमारे नेताओं पर, भाजपा के राष्ट्रीय मंच से हम शुभेंदु अधिकारी जी, विपक्ष के नेता दिलीप बाबू, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल सिन्हा, हमारे पूर्व अध्यक्ष लॉकेट चटर्जी, हमारे सारे एमपीज, हमारे सारे विधायक और हमारे एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहते हैं और उनकी हिम्मत का अभिनंदन करना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने कल संघर्ष किया, सड़कें ट्रेन रोक दी गई, हावड़ा ब्रिज को भी शायद घेर लिया गया, पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मेरी स्मृति में हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक को बंद किया गया हो, यह तो मैंने नहीं देखा है। बैरिकेड्स, तृणमूल का मतलब होता है जो मूल से जुड़ा हुआ पेड़ होता है, रूटेड। ममता जी तृणमूल का नाम बदल दीजिए, अब रूट से काफी कटिंग हो गई है। जो व्यक्ति रूट से जुड़ा होता है वो इस तरह से अत्याचार नहीं करता। मित्रों, हमारे लगभग 1000 कार्यकर्ता घायल हैं।